नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण एक वाक्य में प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, दो बड़ी शक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? दो बड़ी शक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? उत्तर है, द्विध्रुवीय शीत युद्ध। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उत्तर है, बर्नार्ड बारूस ने। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उत्तर है, बर्नार्ड बारूस ने। तीसरा प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता क्या है? उत्तर है, सैनिक गुटों से दूर रहना। प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता क्या है? उत्तर है, सैनिक गुटों से दूर रहना। चौथा प्रश्न है, द्विध्रुवीयता के उदय का कारण। प्रश्न है, द्विध्रुवीयता के उदय का कारण। उत्तर है, परमाणु अस्त्र शस्त्र की दौड़। प्रश्न है कि द्विध्रुवीयता के उदय का कारण। उत्तर है, परमाणु अस्त्र शस्त्र की दौड़। पांचवा प्रश्न है, दो बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? प्रश्न है, दो बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? उत्तर है, शीत युद्ध। दो बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को क्या कहते हैं? उत्तर है, शीत युद्ध। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।